नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089753845 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एआरओ पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत की विदेशी नीति 2015 से 20 तक जो बनाई गई उसके कंपोनेंट के रूप में दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और एक था सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो उसी में ये पूछा गया, तो 2015 हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी ध्यान रखिएगा 2015 में ही स्टार्ट की गई थी, जो हमारा ये मिनिस्ट्री है ना, कॉमर्स और इंडस्ट्री, इनके द्वारा। ठीक, अब है कि किस राज्य में जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, इनके द्वारा। ठीक है, तो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं, 75 प्रोडक्ट उनसे संबंधित है, हर जिले से एक, तो उनके संवर्धन, उनके एक्सपोर्ट और इन सब चीज़ों को बढ़ाने की दिशा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? कंगना रनौत को। आगे है PLI स्कीम कब लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा? तो फुल फॉर्म होता है इसका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था जो है भारत सरकार ने मार्च 2020 में। ठीक है, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे स्टार्टिंग में, वैसे इसको देखिए तीन सेक्टर्स के लिए है ना, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के लिए अप्रूव किया गया था, आगे इसको और एक्सटेंड किया गया है और उसमें वही संबंधित जो सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित एक जो इंसेंटिव्स मिलते हैं कि अगर आपने टाइमली या फिर एफिशिएंटली जो प्रोडक्शन किया है तो आपको कुछ जो है उसके बदले में इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा, उसके लिए इसको शुरू किया गया है। आगे देखें, प्रोजेक्ट मौसम जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय की पहल है? तो अब जैसे नाम में चूंकि मौसम है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित होगा या पृथ्वी विज्ञान से, ऐसा नहीं है। हमारा संस्कृति मंत्रालय जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पर्पज़ इसका ये था कि जो इंडियन ओशन रीजन में, स्पेशली जो कोस्टल रीजन है भारत का, वहाँ पे जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है ना, या वो जो ये एरियाज हैं इनके संबंध में अनुसंधान करना है ना, ताकि जो हमारे अन्य देशों के साथ जो एंशियंट टाइम्स में जो ट्रेड रिलेशंस रहे हों या और अन्य सांस्कृतिक रिलेशंस हों उसके बारे में संबंधों को उजागर किया जा सके या उसके बारे में और फर्दर हमें जानकारी प्राप्त हो सके, इस पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया था जून 2014 में, प्रोजेक्ट मौसम। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का क्या नाम है? ठीक है, ओशनिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए और अंडर ओशन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको अध्ययन करने के लिए मानवयुक्त मिशन भारत ने जो लॉन्च किया 2022 में, उसका नाम है समुद्र यान। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विकल्प डी, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया था, एक ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। आगे है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, इसका उद्घाटन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो सोलर एनर्जी जो हमारी है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने है ना, इन सब के संबंध में राष्ट्रीय सौर मिशन स्टार्ट किया गया था मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे जनवरी 2010 में। देखिए यहाँ पे चार स्कीम्स लिखी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय भारत में जो है तो उनसे संबंधित, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के उपयोग से संबंधित कौन सी योजना है इसमें से? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है भारत सरकार का, उनसे ही संबंधित हैं ये चारों स्कीम्स। नई रोशनी में क्या है कि महिलाओं को लीडरशिप स्किल प्रोवाइड करने की दिशा में है ना, और कह लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पढ़ो प्रदेश में ओवर मतलब ऐसा समझिए कि विदेशों में स्टडी वगैरह करने के लिए माइनॉरिटी स्टूडेंट को सब सब्सिडी वगैरह कुछ दिया जाने का प्रावधान है।
लर्न एंड अर्न में क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है माइनॉरिटीज़ के मध्य, उनको स्किल कुछ प्रोवाइड करके और उनको जो है एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करना। और नई मंजिल जो है इसमें क्या है कि इसमें भी है कि जो एकेडमिक गैप है ऐसे माइनॉरिटी बच्चों में, उसको दूर किया जाए और उनको कुछ और स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, ताकि जो मेन स्ट्रीम के ये हमारे कह लीजिए सेक्टर्स हैं जो कार्य करने के, उसमें वो शामिल हो सकें। ठीक, तो चारों ही संबंधित हैं, डी विकल्प को चुनेंगे। आगे है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1985, ठीक है, इस वर्ष में। तो उस समय कितनी बीमारियों के टीकाकरण में जो है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो वैक्सीनेशन जो है 6 बीमारियों से संबंधित था इसका। इसमें पहले वर्ष ध्यान रखिएगा 1985, 6 बीमारियाँ कौन कौन सी थी ये आपको बता देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूलिस और ये मीजल्स, है ना। ठीक, देखिए उन्नत भारत अभियान योजना का लक्ष्य क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना, उनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2014 में। उद्देश्य मुख्य रूप से इसका ये है कि पहला गलत है, दूसरा है कि देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं यानी कि हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको कम से कम जो है 5 गाँवों से जोड़ना, ठीक है, ताकि उन गांवों में भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका नॉलेज बेस और बेहतर हो सके। इसमें देखिए भारत नेट परियोजना का संबंध क्या प्रदान करने से है, तो देखिए 2011 में एक जो है कह लीजिए स्कीम ही चलाई गई, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक, इसको चल करके आगे 2015 में रीनेम किया गया भारत नेट परियोजना के नाम से। इसके माध्यम से जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं, है ना, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत भारत की, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है ना, केबल वाला जो माध्यम कह लीजिए, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है, उसके माध्यम से इनको जोड़ना था। ठीक, इसमें 2 स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर भारत में सेब का अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये ठीक है। सेब की खेती अंबरी को कश्मीर मूल का माना जाता है, तो सेब की खेती करने को अंबरी भी कहा जाता है, जिसका मूल स्थान भारत में क्या माना जाता है, कश्मीर का रीजन, तो दोनों ठीक है। देखिए यहाँ पे रेशम के ये चारों प्रकार होते हैं, ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के रेशम का विश्व के रेशम उत्पादन में लगभग 90% योगदान है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो मलबरी सिल्क जो होता है ना, इसका प्रोडक्शन इसमें से 90 यूनिट होगा, बाकी के 10 यूनिट में जो ईरी, तसर, मूंगा ये सब होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी रोपड़ फसल है यानी कि प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, तो जिन खेतियों की फसलों की मतलब बागवानी की जाती है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के रूप में आप जानते होंगे, जैसे इसमें से रबर हो जाएगा, ठीक है, रबर, जैसे चाय, कॉफ़ी, और क्या हो गया, नारियल जैसे होता है, कोकोनट, है ना, सुपारी हो गया, जो लोग जैसे सुपारी खाते हैं, तो उसका प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत पौधा आता है, काजू का पौधा हो गया। ठीक, देखिए भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेंसस जो भारत सरकार के माध्यम से कह लीजिए उनके ऑफिशियल आंकड़ों के लिए किया जाता है, उसमें भारत में जो लैंड होल्डिंग है उसके अनुसार 5 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, बता देते हैं आपको, जैसे पहला यही है कि सीमांत, है ना, लैंड होल्डिंग यानी कि सीमांत किसान भी उसको कहा जाएगा जिसके पास यहाँ पे इसकी परिभाषा में मार्जिनल लैंड होल्डिंग में जितनी भूमि है उसी को सीमांत किसान की भी संज्ञा दी जाएगी। तो सीमांत भूमि जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम एरिया। ठीक, तो इसमें डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिर, जैसे 1 से 2 हेक्टेयर ये लिखा हुआ है तो ये होता है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक, फिर 2 से 4 हेक्टेयर ये सेमी मीडियम ये लैंड होल्डिंग होता है। ठीक है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा यानी कि 4 से लेकर के 10 तक की जो होती है, वही जो यहाँ 5 मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं ये मीडियम लैंड होल्डिंग। ठीक, और फिर 10 से ऊपर जितने भी होंगे, है ना, मतलब 10 मिनिमम है, 10 से ज़्यादा वाले को लार्ज होल्डिंग वाले किसान या लार्ज लैंड होल्डिंग की संज्ञा दी जाती है। अब कृषि का ही एक तथ्य और है कि सिंचाई के संबंध में
किसी फसल अवधि के दौरान या फसल वर्ष के दौरान, है ना, उस फसल की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सिंचाई के जो पानी है ना, उसको क्या कहते हैं। तो सिंचाई की जो यहाँ पे देखिए विधियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, तो जो पेरेनियल इरिगेशन यानी कि बारहमासी सिंचाई है उससे संबंधित ये स्टेटमेंट है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार देखा है शायद, इकोलॉजी टर्म जो है पारिस्थितिकी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी के एक जीव विज्ञानी थे अर्नस्ट हैकल, है ना, इन्होंने किया था 1869 में। देखिए किसी भी पौधे की पत्ती है ना, तो उसका जो हरा रंग होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक। अब हरा रंग में जो कह लीजिए एक और पिगमेंट है जिसकी वजह से वो जो हरा रंग आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट उसको आप कहते हैं। तो अब वही यहाँ पे उसका एक्सटेंशन क्वेश्चन है कि पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। इसको थोड़ा सर्च करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देखें पर्यावरण के संबंध में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो पहले भी हमने बताया है आपको, जो एनर्जी पिरामिड हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे जो 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसके संबंध में ये नियम दिया था, लिंडमैन नाम था, है ना, उन्होंने। तो उनका ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, डी को चुनेंगे। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग, है ना, आप जो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं वातावरण में, तो किसके बीच प्रतिक्रिया का परिणाम होता है ये, तो सन की जो लाइट है ना, सूर्य का प्रकाश, उसकी उपस्थिति में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, और एक और यहाँ पे जो अगला हमारा कंपोनेंट है इसका पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो जा करके फोटोकेमिकल जो एक पॉल्यूटेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग ये बनता है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में गलत है, ये नहीं होता, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन लिखा था, ये नहीं होगा, सिर्फ पहला जो है। रॉक्स का जो टाइप होता है इग्नियस, आग्नेय चट्टान, उसमें से यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे हैं कौन कौन से आग्नेय के हैं, ठीक है, तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री आप ये पढ़ते हैं, तो इग्नियस में ब्रैक्सिया, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये सब जो है इग्नियस के ही एग्जांपल्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का हमने एवरेज टेम्परेचर आपको पहले बताया था 37 डिग्री सेल्सियस, वैसे अर्थ का जो है औसत तापमान कितना होता है, तो ये है 14 डिग्री। आगे देखें CNG, है ना, जो गाड़ियों में आप डलवाते हैं, नेचुरल गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से किससे बनी होती है, तो जो CNG का कह लीजिए बनाने का प्रोसेस है, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, वो नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन CH4। इसमें देखिए कुछ धातुएं हैं और उसके अयस्क का युग्म दिया है, तो कौन सा गलत है, है ना, तो पहला ही गलत हो जाएगा, कैलमाइन जो होता है ये और होता है जिंक का, ठीक है, बाकी तीन ठीक हैं। इसमें है कि जैव डीजल फसल कौन सा है, बायो डीजल के जो है कह लीजिए बनाने में यूज़ होती है जट्रोफा, है ना, जट्रोफा, पैंगमिया, है ना, शुगर केन भी यूज़ होती है कई बार, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि पूछा गया है तो ये जट्रोफा होगा। पृथ्वी की विश्वतीय परिधि लगभग कितनी है, ठीक है, सर्कमफेरेंस अगर आपको देखना है तो इक्वेटर आप 0 डिग्री देखते हैं, तो अर्थ का अब ये सर्कल आप पूरा देखेंगे तो ये लगभग 40,000 किलोमीटर का है, ठीक। आगे है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का अंतर कितने किलोमीटर के बराबर का होता है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तो 0 डिग्री पे आप देखें जो हमारी ऐसे लंबवत लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड हम इनको बोलते हैं, तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच, है ना, ऐसे हो जाएगा, तो ये होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। इसमें देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह से होकर के गुजरती है, तो मेक्सिको, मॉरिटानिया, लीबिया, सऊदी अरब, भारत, पहले ऑप्शन के तो देशों से गुजरती है, दूसरे में नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए US में नहीं है, सूडान में नहीं है, है ना, यमन में भी नहीं है, इसमें सिर्फ मिस्र और भारत होगा, है ना, तो पहला चुनेंगे हम। कुल जो है जितने भी देश हैं इसको एक बार मैप में प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है।
इसमें देखें, एक मौसम से दूसरे मौसम में दिन और रात की लंबाई में बदलाव का कारण क्या होता है। तो जैसे अभी सर्दियां अब समाप्त होकर के गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो अब देखेंगे ना कि रात और दिन में जो हमारा ये ड्यूरेशन है वो चेंज हो रहा है। तो रीज़न ये है, अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा एक्सिस है अर्थ का वो टिल्टेड है ना, कह लीजिए झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो इस वजह से ही जैसे पोलर रीजन्स में आप देखते हैं कि लंबे समय के लिए दिन की अवधि या फिर रात की अवधि होती है, तो ये मुख्य रूप से कारण है कि झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करना सूर्य के चारों ओर है ना। इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें देखें, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की किस तारीख को शीतकालीन संक्रांति होती है। तो अर्थ आप जानते हैं 0 डिग्री, तो इधर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो नॉर्दर्न में आप देखेंगे विंटर सोल्स्टाइस, देखिए दो होते हैं, एक समर सोल्स्टाइस होता है, दूसरा विंटर होता है। तो विंटर में क्या है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर देखेंगे तो लंबवत होता है इस दिन, और ये डेट होती है 22 दिसंबर, 21 या 22 है ना, दोनों में से कोई भी मानी जाती है, मुख्य रूप से 22 ही होती है, ठीक। तो ये हो जाएगा, और इसमें देखेंगे कि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो दिन की लंबाई है वो सबसे छोटी होगी, और उसी के ऑपोजिट साउदर्न में उस दिन दिन की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखें, आग्नेय चट्टानों के बारे में गलत कथन को चुना है। तो ये भूपरपट्टी के नीचे से पिघली हुई चट्टान, जो जैसे अर्थ में आप देखते हैं ना कि क्रस्ट है, मैग्मा है ना, फिर कोर, ये सब जो आप चीज़ें पढ़ते हैं, तो मैग्मा जो हमारा है इसके ठंडा होने और जमने से जिस चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम आग्नेय कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। ये तो ठीक है, अभी हमने ऊपर शायद इसके एग्जांपल आपको बताए थे, परंतु यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है क्योंकि बलुआ पत्थर यानी कि जो हमारा सैंडस्टोन होता है और शेल है ना, ये सब एग्जांपल्स होते हैं हमारे सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों के, ठीक है। बलुआ पत्थर और शेल अवसादी के हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा गया था हमसे, तो दूसरे को चुनेंगे हम। आगे है, कालडेरा शब्द से आप क्या समझते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो मैग्मा निकलता है उसमें, तो मैग्मा चैम्बर वही देखते हैं कि जब हमारा इरप्शन के बाद कह लीजिए एक तरीके से एम्प्टी होता है, तो क्रेटर का जो ये निर्माण होता है, ठीक है, इसको ही कहते हैं कालडेरा, ठीक है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं आपके नोट्स में भी दिया है अगर आप हमारे पेड इनिशिएटिव में हैं, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में भी ये चीज़ें दे रखी हैं, आप वहाँ से प्लीज़ इसको पढ़िएगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे सिर्फ फैक्ट के रूप में चीज़ों को याद करके है ना बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। अब इसमें देखिए, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हमको बताने हैं इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जब आप पर्वत श्रेणियों के बारे में, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे फोल्डेड माउंटेन आप पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसी में अगला आएगा ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन यानी कि इसको हिंदी में अवरोधी कह लीजिए, ये मतलब पर्वत की संज्ञा जो है दी जाती है। इसका मुख्य रूप से जो निर्माण होता है ना, इसमें बेसिकली स्ट्रेन होता है ना, खिंचाव की वजह से इसका निर्माण है। और भारत में विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है ये भी है। सॉल्ट रेंज, जैसे आप ये सेंधा नमक देखते हैं ना, सॉल्ट रेंज में ही पाया जाता है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये भी एग्जांपल है। कैलिफोर्निया जो यूएस में है ना, सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। तो तीनों ही हो जाएंगे इसमें। आगे है, भूकंप जो आते हैं, तो भूकंप का परिमाण भूकंपीय तरंग यानी कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं उसके किस पहलू पर आधारित है, ठीक है। तो जो भी आप ये वेव्स देखते हैं, ठीक है, जो जनरेट होती हैं जो हमारा भूकंप आने के दौरान सीस्मिक वेव्स, तो उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम जो होगा है ना, तो उसके हिसाब से उसकी तीव्रता हम देखते हैं, और तीव्रता किस पर मापते हैं, सीस्मिक जो आप स्केल देखते हैं ना, रिक्टर स्केल, ठीक है, उस पर। तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अब जैसे कुछ केमिकल आप ये पढ़ते हैं ना बहुलक, तो उसी में से एक है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन के बारे में देखते हैं सही क्या क्या है इसमें से, ठीक है। तो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, सामान्य नाम में हम टेफ्लॉन के रूप में इसको जानते हैं। तो पहला ठीक है, दूसरा है इसका उपयोग मेडिकल यानी कि जो सर्जरी करने के लिए उपकरण बनाए जाते हैं है ना, जैसे कैंची हो गया जो, या अन्य जो उपकरण उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उस पर कोटिंग की जाती है इस पर है ना, टेफ्लॉन को यूज़ करके, ये भी ठीक है। इसमें मानव शरीर के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है, तीन स्टेटमेंट है, देखते हैं। सामान्य आहार में जो खाना हम खाते हैं उसमें लगभग 75 ग्राम वसा यानी कि फैट होना चाहिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल जो पैरामीटर है एक बैलेंस डाइट के वो होता है, तो ये ठीक है। दूसरा है, मानव शरीर की कोशिकाएं
किसी भी फैटी एसिड को संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो ये गलत है। सेल्स जो है, क्योंकि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो वैसे तो बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है, बट जो है इसको संश्लेषित किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। आवश्यक फैटी एसिड जो बॉडी के लिए ज़रूरी है उनकी अगर अनुपस्थिति है ना, तो कुछ जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है बॉडी में, इन्हीं ये जो फैटी एसिड है इसके रेफरेंस में उसको जो है देखा जाता है, तो ये विकसित हो सकती हैं। तो अगर आपके कुछ फैटी एसिड जो ज़रूरी है अगर वो इनटेक आप नहीं कर रहे हैं फूड सोर्सेज के माध्यम से, तो आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सही होगा इसमें सिर्फ पहला और तीसरा। देखिए विस्फोटक यानी कि जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये आप ले लीजिए बॉक्साइट वगैरह है ना, डायनामाइट या जो और भी अन्य होते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो पहला है गलत हो जाएगा क्योंकि लिखा है धीमी शुरुआत और प्रतिक्रिया की प्रगति। तो जब इसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है एक्सप्लोजिव में है ना, जब वो एक्सप्लोड करेगा तो उनका प्रोसेस धीरे नहीं होता बल्कि जो है ठीक ठाक होता है, तेज ही होता है एक तरीके से, ठीक है। और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का विमोचन होता है क्योंकि जैसे बॉक्साइट का एग्जाम्पल ले लीजिए है ना, माफ़ कीजिएगा बॉक्साइड नहीं, ये डायनामाइट है ना, तो बहुत तेज़ जो है एक्सप्लोजन होता है, तो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें से रिलीज़ होती है और उसका जो कह लीजिए एक्सपेंशन होता है वो तेज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक वो एक्सपेंड करेगा उस एरिया को कवर कर लेता है। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आगे देखें साइक्लोनाइट या हेक्सागॉन है ना, ये किसके अन्य नाम है, तो RDX जो होता है इसको रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव की संज्ञा दी जाती है, उसी के अन्य नाम है ये। दो स्टेटमेंट है, गलत को चुनना है। देखिए जीवाश्म ईंधन यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल तार है ना, और ये कुछ हैवी ऑयल्स की कैटेगरीज होती है, ये सब बायोफ्यूल हमारे, माफ कीजिए बायोफ्यूल नहीं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक। दूसरा है चीन, अमेरिका और भारत मिलकर के विश्व के 50% से अधिक जीवाश्म ईंधन का उपभोग करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी जो है उसके कंजम्पशन में ये तीन देश हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है ना, तो इस वजह से कंजम्पशन भी हमारा ज़्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब इसमें सही कथन को चुनना है। ऑक्सीजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या गैस है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन है ना, और प्राकृतिक गैसों के संदर्भ में मीथेन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक है। अब देखें पेट्रोलियम उत्पादों में मौजूद हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उसमें जो हाइड्रोकार्बन से मिल करके कह लीजिए वो बन रहा है एल्केन, नेफ्थेन और ये अन्य तरह के जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कुछ होते हैं, ये तीनों ही शामिल होते हैं। देखिए इन चीज़ों को प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पे टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा बता पाना संभव होता नहीं है, तीनों इसमें सही हैं। अब है कि कोल गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है, तो कोल गैस के कंपोनेंट होंगे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है ना, इसमें ब्यूटेन नहीं होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो आप पहले ये देखते होंगे ना कि आप जैसे ग्रामीण एरियाज में जो गाय भैंस के गोबर होते थे उसको एक प्लांट में डाला जाता था, फिर उससे जो गैस बनती थी उसको खाना बनाने में यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इनके यहाँ पे जो इसमें प्लांट में डालते थे जो वेस्ट होता था गोबर, उससे बनती थी गोबर गैस, उसमें मीथेन होता था CH4। आगे देखिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है, तो एक कमेटी गठित की गई है ना स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो स्टार्ट की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, ठीक है, इस वर्ष को भी ध्यान रखिएगा। तो जो उस कमेटी ने एडवाइस किया था इसको सेटअप करने के लिए इस फंड को, इसके अध्यक्ष थे HK मित्तल। फरवरी 2022 में जो हमारा सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड है SEBI, इन्होंने एक इनका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड है ना, एडवाइजरी कमेटी है, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है ना, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के संबंध में जो ये रिकमेंडेशन देते हैं है ना, तो इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के जी महालिंगम, इनकी अध्यक्षता में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब देखिए इसकी क्या रिकमेंडेशन आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है SEBI के द्वारा इस जो एडवाइजरी कमेटी है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था फरवरी 2022 में, लगभग एक साल हो गया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी,
शॉर्ट फॉर्म में निपुण कहा जाता है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था निपुण भारत मिशन के रूप में 2021 में, है ना, जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है स्कीम ये। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें से किसने आवेदनों की जांच करने और नए अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, किस निकाय ने इसमें से या किस बैंक ने इसको फॉर्म किया, जरा ये आप हमको कमेंट करके बताइए। हम आपको कंटिन्यू करेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।